आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया, यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिश मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिश मेरी, मेरा हर एक पल, हर पल तेरा मैं जीता तेरे घर। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Praise the Lord, Hallelujah. स्वागत है आपका इस नए साल में, आप सबको Happy New Year. Praise the Lord. ये समय है परमेश्वर का धन्यवाद देने का इस नए वर्ष के लिए, जहां पर परमेश्वर हमें लेकर आया है। अपने हाथों को उठाई और करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना। रिब्रास इरेंद लोग रीग जेरे लोग कोश आंदरी के जीत लेके दो उधा लेमांद लोग ब्रेग रीज राक्रो लोग गोज रीग के देर मुशी करा लिबारो दले रिकास आक्री देर लोग दरी के जीत लेके इस आक्र लोग दरी के जीत करा लिमांग लोज आर ले कीज रा लोग अलीग्रे ले कोश इधरे के दो दरा कलामा क्लोज अलीग्रे ले के जीत करा।
ओ धन्यवाद परमेश्वर 2021 के लिए, धन्यवाद परमेश्वर उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिए हैं, धन्यवाद परमेश्वर आप हमें 2022 में लेकर आए हैं, आप परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के वचन के साथ, परमेश्वर उस सामर्थ के साथ जो उसके साथ हमारे साथ आई है, उस विश्वास और आशा के साथ जो यीशु मसीह में हमारे पास है। हम जाते हमारे आज की प्रार्थना के बिंदुओं की तरफ। पहला प्रार्थना का बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हमारे भाइयों के लिए। कुलुसियों उसका 3 अध्याय पहले से 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विधान को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए, कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलावों के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। लोश इंदले के तेरे बोझी इंदले के दारा हाँ से के दे लोश आंदले के जी दारा लेगोस आले के तो बोश आंदले के जी दारे के दे बोश आंदले के जी दारा बाप लोक्रेज आली को तोरीज आंकले दरी के जान लोश हांदा। हम प्रार्थना करें हमारे हर भाइयों के लिए परमेश्वर कि वो अपने विश्वास दिखा रहे, वो आत्मिक मन के रिब्रासो केर मोदेन गला रमान को लोश सारा बाप और वचन के अनुसार वो आत्मिक चीजों पे मन लगा रहे हैं। रोगा सहीर लेगे दरगदों दरगजीन लेगरा दोरे का सांग लोजे लीबा सेकीरो मोंद लीगा सांग ले दरी जरा लीबारो बोजे का लीग जी दरा ले मोंद आली ग्रो पलो गजीन केरे बोशीर बोशीर ले पी बोजान दरा लीब्रा ला कोज आरी के देर लो मोंद दरी गजीन लेगे देर लो दरी गजीन लेग रास लो करा रमां को लो दरी गजीन दरा वा लीब्रा सोरों दरी गजीन लेगे दरगजार लोशेन लीग जान लोशहा ligas akrele bosh and ligzer le bosh and la libra segere le bondari gzinde le gedere bondari gzinde le gedere le bond ankre ligos and le gzinde la olega dara la gos alegra le hir moder ma and lidere za limbros ala kind lo brira man gol aiza ankre le dri gzo lo zekere go dondari gzinde le gedere bosinde la angra la hazire o permission pratna kar rahe hain wo vishwa ke akarshon se bache hue permission vishwa के छलावे से बचे हुए परमेश्वर, उनका फोकस उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा हुआ है परमेश्वर। रिगेजे बोंदा विशेष 2022 में परमेश्वर उनका केंद्र आत्मिक वस्तुओं पे लगा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। रिगासोरेंग अलेग लोज इरेले बोशांदला लिगास ओलेब अलीग्रे लोंद अंगलेग जीर लोहोशा लिब्रा से ला अंग्रोनी इज द बोंग अलेंद लेर बा अंगलोशा ले बाबा गोदारी गे दर अलहांग्रो इजेरे दोंग लेमोस अंगलीज अंगलीज रे ले ग्रेज अक्रोलो कोजी देरे लिगे देरे ले बोज अंगले दरी गजार ला कोज है लिगे देरे लोज अरे ले गदों दरी गजीर ले गदों अंगले जरी गजार लिमोश अंगले जहा लिगे जहा लोज इरे रो लो कोस अंगले बोन दरी गजी देरे के दारा बा लिमोन दरो लोन दरी गजी देरे के दे लहाज रा कोस के रेंग लो ग्रेज अक्रुदार ला मांगले गोजी लोगी जहेर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इन प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के कामों के लिए पूरे विश्व के देशों में, विशेषकर भारत देश में। भजन संहिता 33:5 कहता है, वह सत्यनिष्ठा और न्याय से प्रीति रखता है और यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। प्रार्थना कीजिए अधर्मी लोगों के लिए जिन्होंने विश्व को गरीबी, हिंसा और मृत्यु से भरा है, लोगों को परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने से रोकने के लिए जो पृथ्वी को भरती है। आइए प्रार्थना करते हैं।
उन लोगों के विरोध में, उन विशेष अधर्मी लोगों के विरोध में जिन्होंने विश्व को हिंसा गरीबी से भर दिया है, उपद्रव से भर दिया है, मृत्यु से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने हमें इस विश्व में भेजा है जीवन के साथ, आशा के साथ, विश्वास समाधान के साथ। हम इन लोगों के गतिविधियों को रोकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम आदेश देते हैं शैतान की कोई भी सामग्री के साथ काम नहीं कर पाएगी यीशु मसीह के नाम में, जो लोगों को वंचित रखेगी परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करने से, परमेश्वर की सुंदरता को देखने से। हम उनके कामों में फ्रस्ट्रेशन बोलते यीशु मसीह के नाम में, हम उन्हें उनके कामों को रुकने का आदेश दे यीशु मसीह के नाम में। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी योजनाओं में आगे नहीं बढ़ पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रीका सोरे क्रलहान सोरे ब्रोजी दरेके देवो शहान दराबां को रोजा। हर दुष्टा की योजनाएं विनाश में बदल रही है यीशु मसीह के नाम में, उनकी योजनाएं असफल हो रही है यीशु मसीह के नाम में, उनकी योजनाओं में फ्रस्ट्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। री ब्रासी को अंक ले गई सहा। और परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है केवल आपकी सत्यनिष्ठा यह आप राज करेगी। हाँ परमेश्वर, इस पृथ्वी पर केवल आपकी भलाई राज करेगी। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है पहला तीमोथियुस दूसरा अध्याय चौथा वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रार्थना करें, री ब्रोस इंदले के देर बोसी इंदले के दार हां को लो सही देर के देर बोसी इंदले का रात लो तरीके सी दारा लाखों सा लेख रे ले ब्रोस इंदले के जहां दारा ओ लकी जरे के दर लामा को लो तरीके सी दले के जहां। ओ परमेश्वर, इस महान आयोग के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिया है, उस जिम्मेदारी के लिए परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, उसके द्वारा हम जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं हमारे भाइयों के द्वारा, हम उनके रिश्तेदारों, पड़ोसी, उनके हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में, उन तक पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। हम कहते हैं कि वो यीशु मसीह को अपना प्रभु और स्वामी उद्धार करता ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। वो हम उन्हें उद्धार में लेकर आ रहे हैं। रोगे आंख ले दारी जरा क्रोश है ले ब्रोस आंख लेके तेरे वो जीत लेके तार महान को लोस इरेंद ला कोस हाँ लिब्राज इरे ब्रोलोस इधरे के जान लेके इस आंख को लूज हाँ लेके इस आंख को लीज माले द आली को लोजेर लही को रोस हाँ ले बेबा को उस दाला माँ की देर महान के ले दरीज रेक दा लेके रही जरा ले ग्रेज ले ग्रेंद ला क्रोंद इस रमां को लोंद रीगा लवुंद अरीग ले कोस आंख ले दरीग जीरा लेके दीर लेके इस आर कोस आर लकी जर मां लो ग्रेज आंख रे आंख रे लो धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप महान है, दयालु है परमेश्वर, आपकी दया अपरंपार है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, हर व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह हो रहा है और वो उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन।
Thank you.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. इस सुंदर और अद्भुत समय है हमारे प्यारी वास्तविकता संग्रह का. आज का तारीख है 2 जनवरी 2022 दिन रविवार. आज का संदेश है परमेश्वर की महिमा का मंदिर. हालेलुया. वचन ले गई है पहला कुरंथियों 3:16 वचन से. का तू ना जानत हुआ कि तू परमेश्वर का मंदिर हुआ और परमेश्वर का आत्मा तोहरे में वास करत हो. हालेलुया. जब कुछ लोग परमेश्वर के ओ महिमा के बारे में बात करत हुआ तो जे के ओ देखे का आशा करत हुआ शायद अपने स्वभावन में चाहे सहभागिता के अपने समयन में अपने व्यक्तिगत जीवन में तब उनकर अपेक्षा ज़्यादातर पवित्र शास्त्र के प्रति उनके समय के कमी के प्रतिबंध होत हो. हालेलुया. उ एक तरह का कथन कहत हुआ प्रभु में अपने आप के प्रत्यक्ष करी और रुवा के महिमा के एक सवाब पे छावे दे. हालेलुया. ई कहले से उ उनके प्रकार के भौतिक प्रत्यक्षीकरण का आशा करत हुआ जैसे कि पुराना नियम में होत रहल. उ अपने सिर के ऊपर दैवी बाल चाहे कमरा में थोड़ा प्रकाश चाहे शायद थोड़ी बिजली एक गहरी आवाज इत्यादि का आशा करत हुआ इंद्रिय के स्तर में मत जिया. ये आशा मत करा कि कोनो तरह से परमेश्वर का महिमा बहरे दिखाई दे ताकि रवा कह सकी वाह प्रभु आज हमरे बीच में रहना. काहे कि रवा कुछ प्रकार के प्रत्यक्षीकरण के खोज करल चाहत है जैसे कि पुराना नियम में वो देखत रहना जब तक रवा के लगे ए तरह का मानसिकता हो तब तक रवा ओ तरह का जीवन जियत है. हालेलुया. जे के परमेश्वर पहले ही कर देले हुए और जे के छोटा महिमा परिभाषित कर देहल गई हो. हालेलुया. उस महिमा जे के पवित्र आत्मा पुराना नियम में प्रत्यक्ष कर देले रहलन आवाज प्रकाश अद्भुत दृश्य इत्यादि इस सब रुवा के अंदर हो. महिमा अब ही रुवा के अंदर हो. पौलुस प्रेरित बहुत ही सापेक्ष में एक बतावत हम उ कहना पर हमरे लगे उ धन माटी के बर्तन में रखल गई रखल हो कि ई असीम सामर्थ हमरे ओरी से ना पर परमेश्वर के ओरी से हौ. हालेलुया. दूसरा कुरिन्थियों 4:7 वचन. कुलिसियों 1:27 वचन कहत हुआ कि मसीहत का रहस्य रुआ एकर महिमा हो. मसीह रुआ में परमेश्वर का महिमा रुआ में निवास करत हो. रुआ परमेश्वर के लेके फिरे वाला बर्तन है. ए तरह से सोची ए स्थान में रुआ के उपस्थित का अर्थ है कि परमेश्वर का महिमा ओ स्थान में प्रत्यक्ष भइल हो. पवित्र आत्मा का मंदिर होवे का इस अर्थ हो. पुराना नियम में महिमा मंदिर में रहल रुआ उ मंदिर है उनके महिमा का मंदिर है. धन्य हुआ परमेश्वर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इस समय है प्रार्थना का. दवलवन जहाँ कहीं भी है अपने पवित्र हाथ के उठाई और हमरे पीछे प्रार्थना बोली. प्यारे पिता हम रुआ का महिमा और सत्यनिष्ठा के खातिर रुआ का धन्यवाद देत है जवन की पूरा तरह से हमरे आत्मा में निवास करत हो. हम रुआ के उपस्थिति के साथ है अपने विश्व के प्रभावित करत हैं और रुवा का सुंदरता सिद्धता और अनुग्रह के इनाम के हमरे पास के हर वस्तु और हर व्यक्ति तक
फैलावत है। हमारे आत्मा के आंतरिक स्थान से हम अपने विश्व के सुधारे के खातिर आशीषण के बहरे ले आवत है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस समय है गवाही का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। मेरी गवाही ये है कि मेरे सेल में एक टीनेजर आती है, तो उनके हाथ में हड्डी से बाहर निकल गई थी। तो गई दवा लेने, तो एक दिन उसकी मम्मी को मैं बोली कि क्या हुआ। उसकी मम्मी को भी जब प्रेयर किया अच्छा हो गया, तो उनको भी निकला था और बाहर निकल गया था। ऐसे हाथ करने पर इधर दिखता था, तो मैं बोली कि दवा लेने से अच्छा हो जाएगा। बोली नहीं, दवा तो ली पर अच्छा नहीं हो रहा। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, प्रार्थना करो, घोषणा करो, आपका सही हो जाएगा। और वैसे जब उनको बताई और मेरे साथ ऐसा घोषणा की और प्रार्थना की, अभी पिछले बार सेल में आई थी मेरे घर पर और दूसरे को बता रही थी कि देखो मेरा जो हड्डी निकला था, जब मैं घोषणा की, हड्डी ने प्रार्थना की और उनको हड्डी एकदम अंदर जैसा था एकदम लेबर हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर। सोचेगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। गो अवे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू पवित्र, तू महान, तू भोर गाता है, तू जहोवा जायरा है, एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है मामा, यीशु राजा यीशु मेरे तू है माना, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्ति दाता, तू है पावन हारा, तू है भोर का तारा, भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा यीशु,
तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा, पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा यीशु, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा ओ यीशु, तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया, धन्यवाद तनि परमेश्वर, हृदया खातिर धन्यवाद, रार करुणा खातिर, रार प्रेम खातिर धन्यवाद, अपन आत्मा से हमने के भरे खातिर धन्यवाद तनी। इस समय खातिर जरूर हमने के देले बानी कि हमने के रार वचन से सीखी जा, सुनी जा और आगे बढ़े जा। हमने कहते जा परमेश्वर के हमने के कान अभिषिक्त बात सुने खातिर, समझे खातिर, और हमने के आत्मा अभिषिक्त बात समझे और सुने खातिर धन्यवाद तनी, और प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम मांगतनी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकतनी रहुआ, हालेलुया। प्रोसी के स्वागत कर सकतनी, कह सकिला कि स्वागत बार और चर्च में, प्रोसी कहे कि स्वागत बार और चर्च में। हमनी के टॉपिक बा जेकरा से हमनी के शुरुआत केले रहि जा, यू नो ई सब वचन में सीखे खातिर बहुत कुछ बा, तो कभी कभी एक वचन के हमनी के हमरुवा के बता दिला मन ना माने लगा कि ओमे बहुत सारा चीज रहेला। एक वचन में लिखल बा कि यदि हमनी के कि आत्मा के अनुसार जीवित भी बनी जा तो आत्मा के अनुसार चली जा भी। हमनी कहन जा कि एक मसीह खातिर सबसे ज्यादा जरूरी बा आत्मा में जिए के, आत्मा में चले के, काहे कि मसीह के जीवन का से आयल बा आत्मा से। लिखल बा यहाँ आत्मा के द्वारा जीवित बनी जा जैसे पेड़ बा, पेड़ में जड़ बा, जो पानी जाता, जो मिनरल जाता, वो कहां से जाता, वो जड़ के वजह से। अगर पेड़ के जीवित रहे के बाद तो पेड़ के जड़ से जुड़े रहे के बाद, तो जड़ उखड़ जाए तो पेड़ का हो जाए।
गिर जाए, मर जाए। वो कहता यही वो कहता कि यदि हमने की आत्मा के द्वारा जीवित बनी जाए, यदि हमने की आत्मा के द्वारा जीवित बनी जाए, क्यों बताओ था कि कह की आत्मा के बिना कोई जीवन हल ही नहीं है। कह की जीवन का चीज़ आयल बा आत्मा से, कह की आत्मा के अनुसार चली जा भी पुरातन जगह के NET से और ज्यादा समझे खाती NET। If we live by the Spirit, let us also behave in accordance with the Spirit. कि यदि हमने की आत्मा के द्वारा जी ले जाए तो चले कि आत्मा के अनुसार बिहेव करी जाए, आत्मा के अनुसार हमने के रवैया हो, आत्मा के अनुसार हमने के चाल चलन हो। हम लोग बताई देनी सारा चीज आत्मा के अनुसार चाल चलन भी केकरा के अनुसार होके के बा आत्मा के अनुसार। यानी कि रुआ दो प्रकार के जीवन ना जी सकला, रुआ चर्च में का बानी पवित्र पवित्र भाई बहन, अब बाहर गणित अपन रौडीपन दिखावे के शुरू कर देनी ना हो सकेला। अगर पवित्र आत्मा रुवा के साथ काम करल चाहेला, देयर हैज टू बी अ डिसेंसी इन योर लाइफ। रार जीवन में एक शालीनता होखल जरूरी बा, कहे कि बहुत कम जवान लोग बड़ा जो पवित्र आत्मा के साथ काम कर पालन, कहे कि ये चीज उनका के समझ में ना आवे, रावडी ना हो सके। पवित्र आत्मा रुआ के साथ काम ना करी हन, रुआ कहो के परी सालीन, उसे कहें कि सालीन, कहो के परी सालीन, राव शब्द राव चाल चलन राव कपड़ा हर चीज कहो के परी वचन के अनुसार। रुआ काम की ई कौन सा बात है, मत करी फिर। रुआ कहें रोम बात रोमियो के अनुसार जिया, जैसा देश वैसा भेष, ई वाला देश स्वर के ई वाला भेष भी अलग बा प्रेस द लॉर्ड। और वह स्वर के देश के होके यहाँ के भेष में ना जी सकीला, और वह आशा करी कि पवित्र आत्मा रोवा के साथ काम करस, इम्पॉसिबल नहीं खे। बताओ तर आत्मा एक तरीका बा, आत्मा के एक तरीका बा, आत्मा के अनुसार हमने के रवैया हो, हमने के चाल चलन हो। Praise the Lord. Very important. Very, very important. आत्मा के एक और तरीका बा, आत्मा चाहलन कि जो रुआ काम करे ला उस समझ के करी, कहे कि पड़ोसी के समझ के करी, समझ के करी। जब रुआ गाना गावता है तो समझ के गाई, जब स्तुति और आराधना करते हैं तो समझ के गाई। हमार आत्मा से भर में ज्यादा टाइम ना लगेला, अभी जो गाना गावता है एक लाइन आत्मा के द्वारा एक लाइन बार बार रिपीट करते रह लो, हमारे इतना ही काफी रहे। अब नहीं वाव यीशु हमार हवन, हम अपन आनंद उठाओ तनी, कहे कि हम केकर साथ गाओ तनी, समझ के साथ। यीशु मेरे तू है महान, महान में भी हम बहुत सारा चीज देखा तनी कि महान का होला, चार महान बगर काम करे के तरीका अलग अलग बा, बहुत कुछ बा उस महान शब्द में। कह दो चीज सबकॉन्शियस माइंड बा, पढ़ ले परमेश्वर के साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ ना जिला, परमेश्वर के साथ कैसे जिला आत्मा से, कैसे जिला आत्मा से। अगर गाना भी गाता है तो वह सबकॉन्शियस माइंड से नहीं गाओ, वो स्तुति ना बाइबल कहला कि सच्चे आराधक परमेश्वर की स्तुति कैसे कर, सच्चाई और आत्मा में, किकरा में करस के कर के का करनी हम सच्चाई में और आत्मा में, ना कि कॉन्शियस माइंड से। तो जब वह गाना गाओ तनी वो गाना राउल आत्मा से नहीं खियावा, अगर वह सब कॉन्शियस माइंड से भी गाना आ सकेला। कितना की बात हमारे समझ में आई, सब कॉन्शियस माइंड नाम सुनने पानी ना, जैसे मान ली के कैसे बताई हम कि जैसे कि वह घर में कोई चीज कहीं पर रख ले बानी, अब वहीं पर कोई चीज बार बार रखल जाते रहे और रुआ भी वो चीज हटा दे ले बनी, पहला बार वो सामान के ढूंढे कहाँ जाए जहाँ पर रुआ पहले। कितना समझ में आता है, होला ना ऐसा। ये जो एक्टिविटीज बा एकरा का कहले जाए सबकॉन्शियस माइंड, समझ में आ गेल ना। अगर पढ़े लिखल भी नहीं तो परेशान होने की बात नहीं है। हेलो, कोई चीज रखल बा रुआ का लेबे नहीं वही पर, कि रुआ वो सामान के कहीं पर हटा कर रख ले रही, रुआ पिछला दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में जानकारी का यहीं पर हम रखीला और रोका जेला वहीं पर ढूंढे, और आत्मा के साथ ऐसे ना चलेला।
जब लोग परमेश्वर के साथ काम करेला तो वह आत्मा से संपर्क रखिला, मतलब बा जब लोग गाना भी गावत है, जब लोग आराधना भी करत है, का बा समझ के साथ ध्यान देखे तो कर सकले बैकग्राउंड में कितना समझ में आता जो आत्मा से नहीं के गावत, जो आत्मा से बाहर नहीं खनावत, वो गाना रुआ के भरी ना। बाइबल का लगे सच्चे आराधक लोग अवश्य बा के कस करे सच्चाई से और आत्मा से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। बानी का गॉट टू बी केयरफुल काहे कि हमारा सारा चीज पता रहे। हम अपन यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू कहनी, परमेश्वर कहने की हम ही गलती हम ना करम, पढ़ लिख क्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आराधना सबकॉन्शियस मान से ना करनी, क्या कैसे करनी, सचेतन रूप से ध्यान दे के। जब वो परमेश्वर के साथ संबंध रखत नहीं, कैसे रखे, ध्यान दे के। रोमियो 8:10, यदि मसीह तारा में बड़न तो देह पाप खाती मरल बा, परंतु आत्मा सत्यनिष्ठा के कारण जीवित बा। नेक्स्ट, यदि उनकरे आत्मा जब यीशु मसीह के मरे हुए में से जिलैलन तहरा लोग में बसल बा, जेकरा के मसीह के मरे हुए में से जिलैलन तहार नश्वर देहो के भी आपन आत्मा के द्वारा जो तहरा में बसल बाड़ा जिलै हन। प्रेज द लॉर्ड, का बताओ था, जब रा आत्मा रा अंदर काम करता, जब रा आत्मा के द्वारा जियत नहीं, जो बीमार ना हो सके, यानी बीमारी बहुत हद तक इस बात के प्रमाण है कि रो आत्मा के द्वारा नहीं जिए के सीखत। बीमारी बहुत हद तक इस बात के प्रमाण है कि वह अभी तक आत्मा के द्वारा चले के नहीं सीख पाईले। तो बीमारी के परमेश्वर की इच्छा मत मान ले, मत सोचम कि बीमारी ऐसे नहीं आई बा कि रोह पाप के लिए बनी, ना, पाप के क्षमा हो चुकल बा। बीमारी ऐसे बा कि रुआ आत्मा से भरे रह के रुआ नहीं सीख ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ गई, बाकी चीज के राव शरीर में काम करके जगह मिलता, देयर एबल टू डू समथिंग, वो अपन काम कर पावता। कभी रुआ मुंबई के ट्रेन के सीट पर बैठल बानी, कितना लोग बैठल बानी, अगर रुआ नहीं चाहत कि दूसरा कोई बैठे तो रुआ भर के बैठे, दब दब के बैठब तो चौथा बैठी है, बात की गारंटी बा, हम बात के दे देता नहीं। कितना की बात ही समझ में आ गई हमारे, अगर वो आत्मा से भरल नहीं थी तो कुछ ना कुछ घुसे के कोशिश करी, बीमारी घुसे के कोशिश करी, शैतान अपन विचार देवे खातिर कोशिश करी, काहे कहे के भर के नहीं बैठल, हर जगह पर कोई ना कोई आई, यही से कहे खाली दिमाग का शैतान के घर यही है, ताकि दिमाग में का भरे के चाहिए, परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रोसेस कहे कि आत्मा से भरा रही, आत्मा के अनुसार जी ही, यही हमने के लाभ है। सुनो तनी बात कम के, पास्टर मसीहत में आगे नहीं, हमार का मिलल, हमार कुछ ना मिलल, कुछ ना मिलल, ना मिलल। रुआ एक बूढ़ी औरत की तरह बानी, बूढ़ी औरत कहानी सुना था रुआ के, हम पहले भी सुन ले बनी, एक बूढ़ी औरत रही, वो अपन मालिक के बहुत सेवा कैली, बहुतों के पता हुई कहानी, बहुत सेवा कैली मालिक के कोई बेटा बेटा ना रहे, अकेला रहन मालिक, शादी उदी ना कैले रहन, जो मालिक बा मरे से पहले अम्मा के बोले लन कि अम्मा इला एक पन्ना पकड़ा देलन अम्मा के कि ई ल अम्मा, माँ कहले कि अच्छा आदमी बा जो देता रह, माथा टिका के ले ल, तो अम्मा ले लेली, रख लेली। थोड़ा दिन बाद सेठ के मौत हो गई, अम्मा बेचारी सोचत रही एक आध दिन इंतजार करी कुछ मिली, कुछ मिल भी ना कैल, अम्मा अच्छी रही उस दिन, नौटंकी ना कैली, वही अपन माथा से लगैली और गाँव चल गईली, कोई बात नहीं खे, सोचत रहते है कि का खड़ूस सेठ रहे, कुछ देवे ना कैली, कभी कुछ देवे ना कैल, कोई बात नहीं खे। 5-6 महीना बाद ओकरा के वकील ले ओकरा के ढूंढत, अरे गांव में पूछल के, अरे अम्मा सेठ के जी यहाँ काम करत रहे, कहा रहे जहाँ रह ली वही बाड़ी, वो कल अच्छा वो पहुँच गए लोग वहाँ पर,
रउआ है जो सेट किया काम करत रही, कह ली कि हाँ करत रही कि बेटा बैठ, आज हम तारा के सुना सनी कितना खड़ूस सेट रहन, बहुत ही बेकार आदमी रहन, जिंदगी भर उनका सेवा कैनी कुछ ना दिलन, हम तो बहुत मजा से कैनी तो कोई के ना बनिया में दिल भरल बा हमार। सुनाओ दिया कि अम्मा कुछ तो दिले, वकील कहला कि कुछ तो दिले, अरे कुछ ना दिले खड़ूस, अम्मा याद कर कुछ तो दिले हो हन कि का एक पत्तल पकड़ा दे रहे हमरा के पन्ना का हाँ बहु पन्ना हम के फ्रेम कर दीवार में टांग दिले बनी देखा ई रहल। वकील लोग पढ़लन, मालूम चलल कि वो आदमी सारा अपन जायदाद ई औरत के नाम करके चल गइलन, तो कुछ मसीह भी ऐसा ही बड़न, हमार का मिलल हमार का मिलल, बाइबल पढ़ ली का कि टांग के रख ले बनी घर में, तकिया के नीचे लगा के रख ले बनी, 3 घंटा के पिक्चर देखे तो पूरा टाइम बा, गांव जाके नाचे के पूरा टाइम बा, बाइबल पढ़े के टाइम पर फिर नहीं पढ़ा, फिर कह तरह कि हमने के 15 साल में का मिलल, कुछ ना कम कम के अपन फ्रेम उतारे आप पढ़ो, वो बूढ़ी औरत की तरह बेवकूफ की तरह मत जिए। रउआ जो तो फायदा रहे पढ़े ना कहीं नहीं। चले फिर सियो 5वां अध्याय 17वां वचन का लिखल बा, ई कारण निर्बुद्धि मत होकर कि ध्यान से समझा कि प्रभु के इच्छा का बा, लिखल बा यहाँ पर कि ये कारण निर्बुद्धि मत होकर ध्यान से समझा कि प्रभु की इच्छा का बा, ध्यान से समझ लापरवाही मत बरत, ध्यान से समझ निर्बुद्धि मत होकर पर ध्यान से समझ कि प्रभु की इच्छा का है। आगे दाखरस से मतवाले मत बना, कहे कि एक ऐसा लुचपन होला, कहे कि आत्मा से परिपूर्ण होते जा, तो हमने खाती परमेश्वर की इच्छा का बा, आत्मा से भरे रहे के, निर्बुद्धि मत बना, ध्यान से समझ कि प्रभु की इच्छा का बा, अब प्रभु की इच्छा का बा कि कोई लड़की के प्रेम में का हो जा पागल, लड़का के प्रेम में पागल यही बा इच्छा, पूरा जवान पीढ़ी के ही समझ में आवेला, कुछ लोग शादीशुदा हो के भी पड़ोसी के प्रेम में पागल फिर बढ़ल, एकरा से लुचपन होला, पवित्र आत्मा से भर रह के करा से आत्मा से, हमारा खाती परमेश्वर की इच्छा का बा, आत्मा से भरे रहे के आत्मा से, तब लोग पता चले कि मसीहत में सुंदरता कितना बा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बानी का हा 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 का कहलस कि आत्मा से परिपूर्ण होते जा, का होते जा के होके वाला बा परिपूर्ण, परमेश्वर करे वाला बालन रुवा होके के बा, हेलो केकरा के होके के बा परिपूर्ण, केकरा के या परमेश्वर के, केकरा के होके के बा, एग्जांपल दे स्कट बा, फोन बा, फोन कितना लोग के पास फोन बा, ले वाला नहीं हम बा, फोन फोन बा कितना लोग के पास, सिम कार्ड बा, पक्का बा, अगर वह सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं करवाई ले कि सिम कार्ड से फोन जाए, पूछता नहीं तो आज सिम कार्ड से ले जाके लड़ ना सकता नहीं कि का सिम कार्ड दे दिले बड़ा क्या ले लाना, कंपनी वाला का रिचार्ज कराओ ना भाई। वैसा ही कुछ लोग बड़ा कि हमार परमेश्वर से कुछ सुनाई ना देवेला, कुछ समझ में ना आवेला, रिचार्ज करो ना भाई, भरल रह ना। चलो भरल रह के कैसे भरल रह, आत्मा से केकरा से भरल रह, आत्मा से, ये रिचार्ज के कर काम बा, कंपनी के काम, डिस्ट्रीब्यूटर के काम बा, केकर काम बा, राव कंपनी वाला पवित्र आत्मा दिल नहीं समझ में आवत, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा दिल, आपके करा फिर बाक सिम कार्ड रउआ के पास, और हम ध्यान देंगे भैया रिचार्ज कैला का, कौन कंपनी ध्यान दे वाला रिचार्ज ना करे ना करे, हम का करी, हमार काम रहे सिम कार्ड देवे के, रउआ मसीही है, रउआ काम बा पवित्र आत्मा से भरे रहे के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुना तनी, इज योर रिस्पांसिबिलिटी, ताकि फायदा एजे बा आगे कुछ भी नहीं खे, बिना पवित्र आत्मा के जियल बेकूफ है बा, हम हमेशा कले बने, हम सोच भी ना सकीला पवित्र आत्मा के बिना कैसे जिए के बा, काहे कि हमार जिए अइबे ना करला, हम जिला ही नहीं, रो काम हमारे से
से पता बात्मा से कैसे बिना जिए के बा कि भाई यही नहीं पता बाकी सब पता बा हम रुक बता देते हमारा नहीं पता कि कैसे जी सकीला हम कभी जीले नहीं खी और ना हमारे जिए के बा प्रेज का बेकूफ है बाबू बेकूफी एक सेकेंड भी रुक पवित्र आत्मा से भरल नहीं खी कहे की उस समय कुछ भी हो सकेला खतरनाक कुछ भी पर शैतान स्थिति पैदा करी जहाँ पर वह हो जाए गुस्सा हो जाए परेशान हो जाए ताकि वो पवित्र आत्मा से भरल ना रही जब तक वो पवित्र आत्मा से भरल बनी उकरा पास कोई चांस नहीं खे के परेशानी याद दिलाई कि ई बिल बाकी बा ऊ बिल बाकी बा वो सन बाकी बा सारा दुनिया की जरूरत याद दिलाई काहे को पता बा कि जब रुवा चिंता करम वचन से बाहर आ गई आत्मा के अनुसार जिए के बा कैसे जिए के बा आत्मा साफ साफ कहले बा कि चिंता मत कर चिंता कर तर तो आत्मा से भरल नहीं खी सिंपल काहे को पता बा कि राव रिचार्ज कैसे खत्म करे के बा उनका के पास भी हैकर बा प्रेस द लॉर्ड राव अकाउंट में घुस के कि पैसा कैसे निकाले के बा और हैकिंग सिस्टम ओकर कावेला शैतान क्या वेला कितना बात समझ में आई होला ना हैकर दूसरा के घुस जाले पैसा निकाले खाती शैतान में क्या करला हैक और आउट सिस्टम के हैक करेला ओकरा में का डाले कोशिश करला चिंता दुख कमी की भावना वो सारा चीज राव सिस्टम में डालेला कि राव सिस्टम में बाहर डाल के क्या करलस सिस्टम खराब चलो हालेलुया इरार बुद्धिमानी है कि एंटीवायरस लगा कर रखी एंटीवायरस का है आत्मा से भरे रहे कि प्रेज द लॉर्ड हेलो उसे कहे कि एंटीवायरस चालू रखा और एंटीवायरस का है आत्मा से भरे रहे कि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बिना आत्मा के याद ना मूसा का कह रहन चली पड़ा तंजा मूसा का कह रहन एक्सोडस 33:15 वो उनका से कहलन कि तू आप ना चला तो हमने की यहाँ से मत ले जा रुक पता बाकी केकर बात चला तेरे मूसा के और परमेश्वर के कि परमेश्वर मूसा से कहलन मूसा परमेश्वर से कहलन कि यदि तू आप यहाँ से साथे मत चला तो आगे ना ले जा कहे कि आगे ना ले जा हम पिछला बार कह रहे मूसा का कह कि आगे जाके बिना परमेश्वर के नुकसान रुक हम बाइबल में से कैसे कहा भइल बा हमको हम जाके पढ़म बाइबल साउल के बाइबल कहला के बलि देवे के समय रहे सैमुअल के आवे में देरी हो गई साउल का भइलन आगे बढ़ गइलन कि ऐसा आगे बढ़लन कि कभी आगे ना बढ़ पइलन काहे कि वो केकर बिना चल गइलन आत्मा के बिना आत्मा के बिना कि ओ पास्टर के का समझ में आवेला हम अपन निर्णय खुद ले सकतानी कि जो हमार मन में हम कहली जा आगे जा बिना पास्टर के जा जहां मन में जाए के बजा फिर फसबा तो फिर बात करम एक रुआ आगे बढ़ गई बिना परमेश्वर के जहां पर परमेश्वर नहीं खन वो बहुत खतरनाक जगह बा प्रेस द लॉर्ड कहे कि आत्मा से भरल रही भरल केकर काम है परमेश्वर काम नहीं के सरल बा ना पढ़ने जा कि अपना आप क्या करत रह आत्मिक गीत गावत रह सब बात में प्रभु के धन्यवाद करत रह भय से एक दूसरे के अधीन रह कितना सरल बा कहाँ पैसा लगता है करा कहाँ पैसा लगता है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भजन संगीता 32:8 वाव वाव हम तारा के बुद्धि दे हम और जोन मार्ग में तारा के चले के हुई ओकरा में तारा की अगुवाई करम तारा पर कृपा दृष्टि रखम और सम्मति दी देवल करम ये परमेश्वर की इच्छा रहे शुरू से कि वो अपन बुद्धि दस वो अपन तरीका से चलावस और पुराना नियम में संभव ना रहे संभव कहाँ भाई नए नियम में जब वो हमने एक का दे दलन पवित्र आत्मा योहन्ना 16:13 परंतु जब सत्य के आत्मा आई हन तारा के सब सत्य के मार्ग बताई हन काहे कि जो वो अपन ओर से कुछ ना कही हन काहे कि जो कुछ सुनी हन उहे कही हन। आगे आवे वाला बात तहरा के बताई हन
यानी कि राउर जीवन में आवे वाले बात के करे बताई हन रहुआ के रहुआ के ज्योतिष की जरूरत नहीं है कि ज्योतिष बताओ बताओ कि अब का होखे वाला बा। यहाँ पर साफ साफ लिखल बा कि आवे वाला बात के करे बताई हन तहारा लोग के ना कि हमरा के। अगर रहुआ आत्मा से भरल नहीं थी और आत्मा से नहीं थी सुनत तो रुआ कोई भी रुआ के भविष्य ना बता सकेलन। रुआ के भविष्य परमेश्वर के करक बतैहन रुआ के लिखल बा वहां पर भविष्य वक्ता रुआ के भविष्य ना बता पाई हो पास्टर और भविष्य ना बता पाई हो जब तक पास्टर के उस समय विशेष एबिलिटी रुआ के ना देवल जाए। हम रुआ के देख के और भविष्य ना बता सकेला जब तक परमेश्वर हमार आंख ना खोलस हमरा के ना दिखा देस। लेकिन हाँ रुआ के उराव भविष्य बतान एकर का बा गारंटी बहुतों के नहीं पता ही क्योंकि दूसरा आवास आऊंगा के कोई भविष्य बतावस कोई दूसरा आवास आऊंगा के बतावस का है दूसरा आवास जब परमेश्वर की थी बाकी रुआ के बताई हर यहाँ पर परेशानी होला उनका कुछ ना पता होला कि पास्टर रुआ बता दी पास्टर रुआ बता दी हमारा कुछ समझ में नहीं आवा मत होके दिए सर क्या सिस्टम का बा रुआ के बताई हन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सुना था नहीं कि आत्मा से भरल ना भइल कितना बड़ा खतरा बा भविष्य वो के करक बोते हैं रुआ के और वह सुतत नहीं वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं खन पा कहे कि रिचार्ज खत्म हो चुकल बा। प्रेज द लॉर्ड कि ना पास्टर रिचार्ज के बाद इनकमिंग आवेला अब 2 महीना बाद वो भी बंद हो जाला इनकमिंग कितना दिन खाती आवेला हमार नहीं पता है कि हमारा भी पोस्टपेड बा अब खत्म ना होला इनकमिंग में कितना दिन रहला 5-6 दिन इनकमिंग भी बंद हो जाए आउट गोइंग तो तुरंत बंद हो जाला इनकमिंग भी 5 दिन के बाद बंद हो जाला ना रुआ प्रभु से बात कर पाए ना प्रभु रुआ से बात कर पाए। कम्युनिकेशन कहाँ होला आत्मा में और आत्मा के रिचार्ज 0 बैलेंस। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और वह बहुत दिन रिचार्ज ना करवाई तो कनेक्शन कहाँ जाला कनेक्शन ना कट जाला फिर वह पूरा प्रोसेस चालू करे के पड़ेला तो बहुत दिन तक वो आत्मा से नहीं सुन ले उपवास कर ले चाहे कनेक्शन रिचार्ज करे में टाइम लगेला कि बहुत तक नहीं पता अच्छा पास्टर अच्छा हम 15 साल से नहीं सुन ले पहले हम कहने की पहले 15 दिन तो उपवास करके सोचो हमें के परमेश्वर वहां से छोड़ के चल गए कनेक्शन कटल बा पवित्र आत्मा छोड़ के चल गए हमारे कुछ बात से बाल के बात बाल के खाल मत निकाल ले एपिसोड वाला तो नहीं ना। हालेलुया। जो हम कहा था नहीं वही सुना जो सुना मत सुने हमारा सुन के फिर दूसरा सुना पास्टर गलत सिखाओ तरह वही सुनाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। सुना तनी जब सत्य की आत्मा आई हन सत्य की आत्मा आई क्यों तारा के सब सत्य के बार रुआ कभी भी धोखा ना खा पाए कोई रुआ के बेवकूफ ना बना पाए काहे कि वापन ओर से ना कही हन काहे कि जो सुनी हन वही कही हन केकरा से कही हन हमारा से कि रुआ से राउर सत्य के मार्ग वो केकरा के दिखाई हन सिंपल राउर भविष्य केकरा के बताई हन रुआ के। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 32:8 आगे बढ़त हैं जा 8-9 हम तारा के बुद्धि दे हम आ जो मार्ग में तारा चले के होई दिस इज हैप्पी हम तारा के बुद्धि दे आ जिस मार्ग पर तारा चले के होई कि हम प्रभु के हम तारा के बुद्धि दे हम को पता रहे कि बुद्धिमान ना भी होए तो हमका बुद्धि दे। प्रेज़ द लॉर्ड। घर वाला भी बुद्धि ना दे सकेला प्रभु दे सकेला। प्रेज द लॉर्ड। कि जो मार्ग में तहरा चले कोई मार्ग में तहरा के अगुवाई कर और हम तहरा पे कृपा दृष्टि रखम और सम्मति देवल कर। बट नेक्स्ट इज हैवी 9वां वचन तू घोड़ा और खच्चर के समान मत बनो जो समझ ना रखेलन और उनकर उमंग लगाम और रास से रोके के पड़ेला ना तो तहार बस में ना आवे के। हम घोड़ा पर बैठे कहीं कोई नहीं छुट्टी में घोड़ा बैठे रहें तो फोटो खींचत रह साहब लगाम पकड़े रही है चल पर मन करेंगे हमके अच्छा तरीका बा वचन सीखे के हम हल्का सा लगाम लगनी छोड़नी घोड़ा अपना आप से जहां मन तहां जाके शुरू हो कहने के अच्छा लगाम पकड़ ला लगाम 24 घंटा पकड़ कर पड़ला कुछ लोग ऐसी बात 24 घंटा ऊपर चिल्लावा तभी काम कर ला घूम गए ला
चल गए थाने के दरदार, अब डर काहे के, नजर हटल आ दुर्घटना घटल। उनका लोग के पास निगाह हटावा, कुछ ना कुछ गलत करके आ जी हर उनका के पास देखत रह। दूर लड़का लड़की के छोड़ दो तो का मिलन मिस्टर मिसेस पांडे क्या ऐसे बा, हर समय लगाम लगा के पड़ला। रुआ अपन भावना के वश में ना कर सकीला, बिना रुआ कोई के सुपरविजन से सही से ना चल सकीला। मत बना, वो कहा था कि घोड़ा और खच्चर के समान मत बना, जो समझ ना रखेला उनकर उमंग रात से रोके पड़े, ना तो तार वश में नहीं खियावे के, बस चिले हन तो सही कर। परमेश्वर ना चाहन कि हमने के जिंदगी ऐसा होके, कुछ लोग ऐसा ही बढ़ान ला तो सेल ढंग से चली ना चिले वा, चल गलन थानेदार, अब डर कहे के मत हो जाइए सर, ये अच्छा जिंदगी ना है। प्रेस दिलो एक कौन जिंदगी है, घोड़ा और खच्चर के कर, घोड़ा और खच्चर, और वो का बताओ तर घोड़ा और खच्चर कोई समझ ना होला, क्योंकि लगातार समझ देख पड़ेला फिर वह काम के हर समय हमारा कोई सिखावत रहेला। घोड़ा खच्चर जो बन गई बड़ा सिखाओ ना तो बस इधर चल गई उधर चल गई इधर घूम लो कहे घूम लो, फोकस ना हो सकेला का लाइफ में कि हमारा के मत सिखावा, रोवे के तो सिखावे की जरूरत बा, एक बुद्धि नहीं तो कहता के सिखावा। ताकि यार बेवकूफी के सबसे बड़ा प्रमाण के लाइन वही है कि हमारा के मत सिखावा, हमारा सब समझ में आवेला का बेवकूफ से मिलत है। बुद्धिमान व्यक्ति का करन सिखावा बतावा, घोड़ा खच्चर क्या कर के हमार हमार हार पल छोड़ दो, छोड़ देनी जा पता भाई क्या करके अब प्रयोजलो यही सब क्या करता है, केकरा से भरल रह प्रोसेस कहें कि आत्मा से भरल रह, आत्मा से भरल रह, आत्मा से भरल रह। सुनत नहीं रुआ हल्लो, जब रुआ आत्मा से भरल बानी कोई चीज से डर ना है, कोई चीज से रुआ ना कहम कि हमारे नौकरी में ई बा, हमारे नौकरी में ई कलर करे के तो हम कर देनी, कम ऑन। अगर नौकरी में कुछ करे कहले बा तो सही तो नहीं है ना, सोच के देखी। अभी देखी माँ बाप भांजा, भांजा से कहने की भांजे के नौकरी बा कि बंदूक लेके सबके मार डाल, सही हो गई काम। हेलो पूछो तो नहीं काम सही हो गए ना, अभी तो कह सकेगा हमारे नौकरी रहे वही कलर की सबके मार डाल, हम तो मार डेली हम का करी। रुआ के बुद्धि हो गए चाहे कि सही कहा और गलत कहा, केवल नौकरी में कहल गई रहे कि भाई भाई जरूरी नहीं। पर कितना लोग बान जो नौकरी के बहाना बनावे ला, हमारा नौकरी में ऐसा बोला हम क्या करी छोड़ दो। सुनता नहीं रुआ छोड़ दो, पर नौकरी के बहाना बना के गलत मत कर। बहुत से लोग बान, बहुत से लोग कि नौकरी में जो बोलल जाए गलत सही सब सही होला, कहा बोलल गेल बा नौकरी में, नौकरी में बोलल के वैक्सीन ल, अब का करें छोड़ दो, छोड़ देम तो खाएम का, यही तो परेशानी बा। तो आत्मा से भर रहती तो पता हुई कि सवाल बेवकूफी के बा, प्रेज द लॉर्ड, सवाल के कर बा बेवकूफी के, अगर आत्मा से भर रहती तब हालेलुया। हा 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 सही बा, जरूरी ना हो कि जो नौकरी में कहल गई बा सही बा, रुआ के अपन बुद्धि लगावे के बा, रुआ के अपन बुद्धि लगावे के बा, क्योंकि सच्चाई बा कि कोई भी रुआ के बर्बाद ना कर सके। चलो कोई भी अगर रुआ के पता हो कि रुआ है कौन, कंपनी के पता कि जब तक नौकरी का कलर रुआ के पास बा वो कंपनी चलता, रुआ चल जाए तो कंपनी बैठ जाए। प्रेस द लॉर्ड, रोवा ना बैठ, बैठी का कंपनी डिपेंड कर ला कि का पता बार रुआ के लाइफ में परमेश्वर भी जब तक रुआ कंपनी बानी कंपनी के बर्बाद ना कर सकेला। सुनाई दिलस रुआ के शैतान तो बहुत दूर की बात बा। प्रेस द लॉर्ड, वो कंपनी चलत का है क्या कि रुआ वहां पर बानी,
तो उनका से काट डरे के जो हम चलाई ला जाए फिर चलो सुनो तनिका कहें कि उनका से काट डर जरा के हम चलाई ला रोग लग लगे हम रोज से डर जाए हम रोग चलाई ला हम रोज से डर जाए ना डर सकेगा लेकिन पता बा हम बानी के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाइबल बतावेला सदोम और गमोरा के बारे में परमेश्वर सदोम और गमोरा के नष्ट करल चाहत रहल तब तक नष्ट ना करलन तब तक लूत के बाहर ना निकलन प्रेज द लॉर्ड कितना माथा में समझ में आ गई निकलन नष्ट करलन का कब तक जब तक लूत के बाहर जब तक रहुआ वो कंपनी में बानी वो कंपनी चली प्रेज द लॉर्ड जिस दिन रहुआ निकल जाए वो कंपनी के का रहे आखिरी दिन सोच के देखी अगर रुआ अंदर ही सोच बा रुआ नौकरी से बांधल होखल मना कर दे प्रेज द लॉर्ड रुआ आशीष है कहीं कि हम आशीष है कहीं कि हम आशीष है हम आशीष है हम आशीष है योना 14:16 योना 14:16 हम पिता से विनती करम कि उ तारा के कौर सहायक दिहन कि उ सर्वदा तार साथ रहस नेक्स्ट अर्थात सत्य के आत्मा जो संसार ग्रहण ना कर सकेलन काका के उ ना उनका के देखेलन आ ना उनका के देखेलन आ ना जाने उनका के जाने ल काहे कि उ तारा साथ रहेलन उ तारा में होइन हम तारा के अनाथ ना छोड़ हम तार पास आवत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया का कहत हम तारा के अनाथ तो हम के रुआ अकेले बानी कोई भी रुआ के सहायता करे में नहीं है हम अनाथ हो गए परमेश्वर का तो हम तारा के अनाथ ना छोड़ो तो पवित्र आत्मा रुआ के छोड़ के ना जई ह सही बा पवित्र आत्मा से भरल केकर काम बा राउर भरल राउर काम ह जै काम तब होई जब रुआ पवित्र आत्मा से भरल बानी प्रेज द लॉर्ड पता बा ना ये चीज भाई ना ग्रहण कर भरल का ह अलग कितना लोग के पता बा ग्रहण कर अलग बा भरल अलग बा ग्रहण कर लेले भरल होला ना जैसे कि पानी में रुआ शक्कर डालनी आ घुला देनी थोड़ा देर के बाद का होला शक्कर नीचे बैठे ला कि घुलल रहेला अगर वह ऊपर के पानी पिए तो टेस्ट होई उका लगी सादा पानी वैसे ही बा अगर वह पवित्र आत्मा ग्रहण करीला अगर लगातार उस काम के ना करीला जेकरा से पवित्र आत्मा का रस खुलल रहस उरा और आत्मा में बड़न लेकिन कहीं पर बैठल बड़न समझ में आए तू के समझ में आता का बारू बैठल बड़न तो और काम में उनका टेस्ट आवेला नहीं खे बोला ना जैसे कि जूस के हिला के पिए ताकि कि जूस के पूरा टेस्ट आवे यही हम कहत नहीं तो पवित्र आत्मा राव अंदर बाड़न लेकिन वो टेस्ट कब आए जब पवित्र आत्मा से रुआ भरल बन जब पवित्र आत्मा रुआ पर पूरी तरह से नियंत्रण ले बड़न जब रुआ पवित्र आत्मा से पूरी तरह से समर्पित बड़न प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी सुनत नहीं तो केकरा से भरे रहे के बा केकरा से भरे रहे के बा पवित्र आत्मा से वो काम के करवा राउ उनकर अभ्यास करी प्रेज द लॉर्ड कैसे भरे रहे के आत्मा से भरे रहे के आत्मा से भरे रहे के जब रुआ आत्मा से भरल रुआ कुछ भी बदल सकता नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब रुआ आत्मा से भरे रहम जब रुआ प्रचार करे जाए ओ बॉय प्रचार ओ कहेंगी प्रचार प्रचार इस शब्द प्रचार ही बहुत बड़ा महान बा याद बा सालों पहले हम एक शब्द पर स्टडी कर ले रही वर्ड पर जब हमारा स्टडी खत्म होता हम कहनी बोय हम कुछ भी कर सकेला कुछ भी जब यीशु मसीह कहन जा आ प्रचार कर वो बहुत बड़ा चीज बा वो शब्द प्रचार कभी शब्द टाइम निकाल स्टडी करम प्रचार शब्द प्रचार बहुत लोग के लगे प्रचार के मतलब बा कि वो हमार ना माने हम का करम ककरो को पता नहीं कि प्रचार शब्द के मतलब बा का शायद अगर वो के प्रचार शब्द के मतलब पता लग जाए जब हम बताए रुआ कम कम म का ना बदल सकता नहीं है प्रेज द लॉर्ड प्रचार शब्द कहीं प्रचार प्रचार कितना लोग सुनने वाला शब्द सुनने वाला ना प्रीच प्रचार वो बहुत बड़ा शब्द बा उस तरह से बा मान ली कि शासन के अधिकारी हैं शासन रुआ के पकड़े के वारंट देले बड़न पता ना बा गैर जन मंत्री वारंट कितना लोग के पता बा ओकरा में भी वारंट में भी दो तरह के होला एक होला जमानती वारंट और एक होला कितना के पता भाई जमानती वारंट में का बा की वारंट लेके आवेलन और वो जमानत पहले से लेके रख सकता नहीं पकड़े बारे
और वह कथन ई रहल जमानत कोई गिरफ्तारी कितना के लोग हमार बात पता बा पर गैर जमानती वारंट में रुआ की जमानत मिलवे ना करेला रुआ के पकड़ के ही लेके जालन। जब यीशु मसीह का प्रचार कर का कर ये बहुत बड़ा शब्द बा उस शब्द के मतलब बा कि परमेश्वर हमने के का दे देले बड़न गैर जमानती वारंट कि हमने के आत्मा के अंधकार से पकड़ के कहां लेके आई जाए प्रकाश में ले आई जाए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अंधकार से निकाले कहां लेके आई जाए प्रकाश में और मना ना कर सकेलन। प्रेज द लॉर्ड। उनका के पास मना करे के अधिकार नहीं थे। बहुतों को प्रचार का लगला जमानती वारंट कि उनकर मर्जी रहे चर्च में आइलन उनकर मर्जी रहे ना आइलन कह के लोग पता में नहीं थे कि जार जो ही हाथ में बा वो जमानती बाकी गैर जमानती प्रचार में ताकत बा ताकत ताकत जरूर वह प्रचार कर जाता नहीं आत्मा जीते जाता नहीं वह कहता नहीं ओ जेकरा के बोलम ओकरा के आवे के परी हमरा के अधिकार देवल गल बा गैर जमानती वारंट। प्रेज द लॉर्ड। कोई हमरा के ना ये वो चीज बा जो यीशु मसीह के पता रहे उनको बताएं कि प्रचार शब्द हमारे कहां से कहानी शुरू भई कि जब हम पहले बार बाइबल पढ़नी देखने की यीशु मसीह जात रहन पत्रस से कहन कि आ जा कम ऑन बॉय कैसे कर लनु का पता रहे यीशु मसीह के हमार सवाल रहे अपने आप से कि जल फिर उकल पीछे का पता रहे यीशु मसीह जो हमारा के नहीं पता अभी तक हम मजाक चलत रहे वहां पर फिर दो आगे फिर दो हम कहने की है कहन की आ जा यहाँ बोलते नौकरी छोड़ दो तो धंधा छोड़ के आ गई लोन यहाँ पर तो प्रार्थना करा दो यहाँ पर लोग प्रार्थना कर नौकरी खेती पास से प्रार्थना करा यीशु मसीह का हमारे पीछे कोई लंबा प्रचार ना हमारे पीछे आव एक लाइन भाई दोनों जवान लोग का बच्चा लोग ना रहा लोग जो टोपी खाए चर्च में लोग ये चला चला हमारे चर्च में चला बिस्किट मिली अब मम्मी भी कह ले के ले जा दो घंटा के लिए पीछा छूटल अच्छा बा ई ना रहा लोग बच्चा और ना ही बेरोजगार रहन तो कोई ना घर में बैठ के बच्चे मारन कहाँ रहन धंधा उस समय करत रहन लोग कितना के बात हमें समझ में आता उस समय धंधा धंधे पर रहन लोग बैठा रहन लोग ना बैठा रहन लोग यीशु मसीह कहलन के हमारे पीछे आव हम तारा क्या बना दे मछुआरा इनकर बीबी बच्चा भी रहन लोग पढ़म जाके बाइबल पढ़म ना रहन पतरस के साथ रह जकर सास रह जकर के यीशु मसीह के लन चंगा किल ई घर वाला लोग रहन लोग ई सब छोड़ के आ गए लोग का है प्रचार जो शब्द बा ओकर ताकत जो यीशु मसीह के पता रहे कि उनका के पास का बा कि उनका फिर गैर जमानती वारंट बोलन कि आव तो आवे के परी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी। सोची जब इस सोच के साथ रुआ आत्मा जीतम कितना मजा आई तो मत कहम कि उलग मना कर देला लोग हम कर ही का सकता नहीं का कर सकता नहीं ये कर सकता नहीं रुआ। यू कैन बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल। Praise the Lord. Hello. So it's important what you know. पर इस सब के अगर काम है पवित्र आत्मा के बाइबल कह रहा है पवित्र आत्मा तारा के सब बात याद दिलाई हन याद दिलाई हन ये उनका सेवकाई हो पर वो याद कब दिलवाई हन जब रुवा पवित्र आत्मा से भरल बानी रुवा कोई भी चीज के प्रचार कर सकता नहीं रुवा उ व्यक्ति के उ वस्तु के बाइबल कहला कि सारी सृष्टि के शुभ समाचार सुनाओ सारा लोग के सृष्टि में सब कुछ आवेला रुवा अपना घर के सिलेंडर के बोल सकेला खत्म नहीं होके के तारा में हम जीवन बोलता नहीं यीशु के नाम में खत्म ना होई रकम के अरवाइसन बतावता नहीं हमार डर लगता यही तो जीवन है रुआ नए नहीं थी डरे वाला एक दिन यीशु मसीह भी पानी पर चल के आवत रहन चिल्ला लो चिल्ला कहर लग लो चिल्ला लोग भी चिल्लात रहन लोग भूत 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 रुआ पहला नहीं थी जेकर डर लगता चिल्ला लोग भी डरत रहन लोग ना डरत रहन लोग जब यीशु मसीह पहला बार आइलन पानी पर पतरस में थोड़ा हिम्मत रहे बोलो ना के प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाकी के तो प्राण पखोरी हो गए रहन लोग मिलम तो पूछम भैया होत का रहे कहे का बताई बस हलक तो मुंह आगे रहे लिखल ही वाला रहे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सुनो तनी याद के दिलाई पवित्र आत्मा के दिलाई पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। वह का चाहिए केवल पवित्र आत्मा से भरल का होके के बा पवित्र आत्मा से भरल जिंदगी आसान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। कहीं कि जिंदगी आसान बा मुश्किल मत बनाई
पड़ोसी से कहेंगे जिंदगी आसान बा, मुश्किल मत बनाओ। पर आसान कब बा, जब केकरा से भरल बानी। होला ना कि अकाउंट में पैसा बा तो सब कुछ अच्छा बा। तो जिंदगी क्या लगेला आसान अगर बैंक अकाउंट भरल बा। वैसे ही जैसे रो आत्मा से भरल बा तो जिंदगी क्या लगी आसान। सुनो भाई, अपन हाथ करी अन्य भाषाओं में प्रार्थना, भरी अपने आप के पवित्र आत्मा से। भरी अपने आप के पवित्र आत्मा से, अपन हाथ के उठा के प्रार्थना करी, अपन हाथ के उठा के प्रार्थना करी। हालेलुया। अगर वह पहली बार आयल बानी तो हम लोग स्वागत करल चाहम। खड़ा हो सकता नहीं अगर पहले बार आयल बानी। वाओ, जोर से ताली बजाएं जाए क्या लोग खाती, जोर से ताली बजाएं जाए। हमने ये खुशी बा कि रुआ यहाँ आयल बानी। हम चाहता नहीं कि रुआ भी ये बात के फायदा उठा के जाए कि आयल बानी। जब तक ना हो सकेला, जब तक यीशु मसीह और प्रभु ना हो, जब यीशु मसीह प्रभु हवन तभी रुआ पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता नहीं। उनकर बिना पवित्र आत्मा हल ही नहीं खन। तो पहला काम बात कि यीशु मसीह के अपन प्रभु के रूप में ग्रहण करे के अपन दिल से। तो कर खाती छोटा सा प्रार्थना बा जो हम चाहता नहीं कि रुआ करी। तो आंखें बंद कर ले और प्रार्थना के अपन मुंह से हमारे पीछे बोलम और दिल से विश्वास करम। जो बोलम समझ के साथ बोलम, इसे हम कहीं कह नहीं जा कहीं। हे प्यारे पिता, हम विश्वास करते नहीं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो हमारे खातिर मरलन और परमेश्वर उनका के तीसरा दिन क्रूस पर से जिंदा कैलन, मरे हुए में से जिंदा कैलन। आज वो जीवित बड़न। हम अपन मुंह से घोषणा करते नहीं, अपन हृदय में विश्वास करते नहीं कि यीशु मसीह जीवित जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र अभी से हमार प्रभु हवन, हमार स्वामी हवन। आज से हम बच गुल बानी, आज से हम परमेश्वर के संतान हैं। धन्यवाद परमेश्वर हमारा के बचावे खाती, हमारा के जीवन देवे खाती, हमारा के अपन आत्मा देवे खाती। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। स्वागत बराबर और इनका लोग खाते जोर से ताले बजा सकता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एकरा पहले रुआ बैठल बानी, हम लोग खाते प्रार्थना करम। धन्यवाद है तनी प्रभु। राव सारा बच्चा लोग खाते हम यीशु के नाम बोला तनी इनके ऊपर, यीशु के नाम में। शैतान के इनके ऊपर कोई दवा और कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हम इनका के आशीष देते हैं बुद्धि के द्वारा, राव समझ के द्वारा, राव ज्ञान के द्वारा और आत्मा के द्वारा। ये आशीषित बड़ा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ताले बजा सकता नहीं। थैंक यू। इस समय बाप अपन भेंट, अपन दशमांश, हमने क्वायर के स्वागत करम जा। क्वायर हमने के सहायता करी हम लोग परमेश्वर के स्तुति करे में, आराधना करे में। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। कुछ ऐसा करी जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करी जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है।
मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। जो दुनिया में है हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समरूप हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशी, मुझ में महान से जो दुनिया और हर है, पल मैं हूँ एक बेचैन, हर पल मैं हूँ एक बेचैन, और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं और हर जगह फैलाऊं रोशनी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान, और हर जगह फैलाऊं रोशनी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, ये मेरी सफलता की कहानी है। हालेलुया, प्रार्थना करम जा हमने के भेंट खाती, धन्यवाद तनी परमेश्वर और दया खातिर और करुणा खातिर और प्रेम खातिर, धन्यवाद इस समय के देवे खाती कि भेंट रुआ तक ला सकी जा, और वचन के अनुसार जैसे हमने के देनी है जा प्रभु, एक बड़ा हुआ फसल के हम ग्रहण करते हैं जा यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद है तनी प्रभु, हर वो बीज जो यहाँ बोल गोल बा उकर फसल इनका लोग तक आवता, हम इनका जीवन में समृद्धि बोलता नहीं यीशु मसीह के नाम, पैसा इनके पीछे बिना रुके तेजी से आवता, वफादार बरन, बुद्धिमान बरन, अपन पैसा के अराव राज में लगावे खाती, धन्यवाद इतनी, धन्यवाद इतनी, इस भेंट के ऊपर के आह्वान करता नहीं राव राज के बढ़ोतरी खाती यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट बाद ध्यान से सुन, हमने के तीन बार प्रार्थना कर ले तो हमने के साथ जुड़ी तीन बार कर लिया जाए, अगर रुआ के पास हमने के फर्स्ट फ्लाइट ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट, प्लीज ओकरा के डाउनलोड कर ली, अगर वो अभी तक व्हाट्सएप बानी किंग्स चैट पर नहीं खी तो प्लीज किंग्स चैट पर जाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओकरा बाद हमने के 36 ऑनलाइन चर्च, और हमने के आशा कर ले जाए कि रुआ एक मेंबर की तरह हमने के साथ जुड़ी, हम चाहते हैं कि हर मेंबर कम से कम 2 सेंटर बनाए, कितना बनाए, 2 सेंटर, तो हमने के उनका लोग के रिकॉग्नाइज कर चाहते नहीं, इतना भाषा में मेन चर्च, मेन भाषा में इंडियन चर्च 14 भाषा में, भारत के हर भाषा में बा, यानी कि रुआ हर एक तक पहुंच सकता नहीं, पूरा भारत में रुआ बुद्धि सुना सकता नहीं, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकता नहीं, तो इनका के इस्तेमाल करी, हो सकेला ये भाषा रुआ ना बोली ला, इनफैक्ट हमने के पास मुख वजन लोग खाते भी हमने के पास प्रोग्राम बा, चर्च के द्वारा हमने के भारत के हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है, तो हमने के साथ जुड़ी, प्रेस दो लोग खड़ा होकर हम जाए, परमेश्वर का धन्यवाद देम जाए, अपन हाथ के उठा के परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमनी के साथ सदा खाती बन रही, यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा हमनी के जीवन में निवास करी, और हम सदा खाती परमेश्वर के घर में निवास करत रहम, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच, आनंद मनाई, वचन काम करेला।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.